सोशल मीडिया या इंटरनेट पर सरकार अब अपनी साइबर आर्मी उतारने की तैयारी में। सरकार ने इसे साइबर वॉलंटियर का नाम दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को केंद्र सरकार ने दी सख्त चेतावनी। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा, अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। ठाकुर नगर की रैली में उन्होंने कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आए हैं, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। राहुल ने कहा कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग में नारा था, हम दो हमारे दो। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरा रूप में आता है, वैसे ही ये भी नए रूप में आ रहे हैं। अब चार लोग देश चला रहे हैं, उनका नारा है हम दो हमारे दो। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का गुरुवार को पांचवा दिन था। एनटीपीसी के टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिशें लगातार जारी। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों की शहादत के 8 महीने बाद चीन के साथ समझौता हो गया। लद्दाख की पेंगोंग लेक के उत्तरी इलाके से दोनों देशों की सेना पीछे हट गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए सरकारी विमान नहीं दिया गया। पेट्रोल डीजल के रेट आए दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं, इनकी कीमतों में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी। इंदौर में नगर निगम के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों के साथ श्रमसार करने वाला बर्ताव किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में जिन बल्लेबाजों से टीम इंडिया को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होती है, अजिंक्य राहड़े का नाम काफी ऊपर।